हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पिछले साल प्रीवियस ईयर के रीटेस्ट रिपीट के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है कि जिसमें आप इन सब क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करें और अपना प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हम आज 12 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको अपलोड होने दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पहले पेज से ही शुरू करना चाहिए हम लोग को। तो ये है सीटेट, यूपीटेट और इस साल के लिए इम्पोर्टेंट, ये पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है और पिछले साल के क्वेश्चन 2011 के क्वेश्चन है। 2011 में रीट के क्वेश्चन ज्यादातर है और ये सीटेट में भी दोहराए गए हैं, तो इसलिए उनकी संभावना है कि अभी भी ये दोहराए जा सकते हैं। तो पहला है ट्रायल एज। Try it refers to, try it, try it के यहाँ पर आ गया है। इसको try it, ये क्या चीज को दर्शाता है, किस चीज को संदर्भित करता है। try से एज से हम क्या समझते हैं, कौन सा एज ग्रुप को हम try एज में रखते हैं। तो इन्फेंसी होता है सबसे पहले, जो कि इन्फेंसी में शैशव अवस्था जिसको हम कहते हैं, शैशव अवस्था जब शिशु अवस्था होती है तो 0 से 3 वर्ष होता है। उसमें बच्चा अपने माता पिता से ही जुड़ा होता है और उसमें उसको मतलब बहुत लोगों से कोई मतलब नहीं होता है ज्यादातर, और इसमें फिजिकल मूवमेंट होता है तो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इस समय नहीं होता है। और ये बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ ही ज्यादा सोशल होता है। ठीक है, तो इसको हम फिर से शैशव अवस्था जो है वो 0 से 2 ईयर और उसको हम इंसान से भी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बचपन जिसको हम कहते हैं, इसका समय होता है 2 to 7 years। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो होता है इसी अवस्था को हम प्राइज कहते हैं। प्रारंभिक बचपन जो है इसी को हम खिलौना या प्राइज कहते हैं। तो इस समय बच्चा खिलौना से खेलता है और उसे लोगों से उतना मतलब नहीं होता है और वो लोगों के साथ खेलना नहीं चाहता है। वो चल सकता है, अपने विद्यालय जा सकता है, फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करता है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इस समय जो होता है उसका बौद्धिक विकास होता है। उसमें कलर को पहचान सकता है, शेप को, तरह तरह के आकार को समझ सकता है, साइज को समझ सकता है और उसकी कल्पना शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है और वो अपने उनके बारे में जानना चाहता है। लेट चाइल्डहुड इंफेंसी हमने समझ लिया, लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड जो होता है देर से बचपन जिसको हम कहते हैं, लेट चाइल्डहुड देर से बचपन 7 से 12 साल की अवस्था में होता है, 7 to 12 years। इस अवस्था में लोक जो होता है विकास जो तेजी से होता था वो थोड़ा कम हो जाता है और बच्चे का मोटर स्किल बढ़ने लगता है, हैंड एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन बढ़ने लगता है, वो सोचने की शक्ति उसकी बढ़ने लगती है, वो दोस्तों के साथ मिलना जुलना और सामाजिक होने लगता है, पड़ोसियों के साथ मिलता है, पेरेंट्स के साथ वो पड़ोसियों से भी मिलने जाता है, उनसे भी संबंध बचपन हो गया, लेट चाइल्डहुड बचपन। उसके बाद आता है किशोरावस्था। तो ये सारे जो है इसका आंसर है, प्राय एज का आंसर है अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बचपन, जो की 2 to 7 years का समय होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अभी मैंने देखा था अर्ली चाइल्डहुड, इसमें से कौन सी स्थिति, कौन सी अवस्था जो है वो प्रारंभिक बाल अवस्था की विशेषता जो एज होता है उसको इमिटेटिव एज कहते हैं। क्वेश्चन एज जिसमें की बच्चा बहुत प्रश्न पूछता है, जिज्ञासु हो जाता है और प्ले एज। तो इसमें से है कि
योग्य है प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ये कौन सा इसका आंसर है? खेलने की उम्र, प्ले एज नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें खेलने की उम्र नहीं होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का बदलने लगता है। तो ये अगली चाइल्ड हुड जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसमें 3 to 5 ईयर्स को कहते हैं अर्ली ट्रायल, और फिर उसके बाद बचपन जो उसमें आया था 5 to 7 साल ये उसको कहते हैं लेट चाइल्ड हुड। तो ये अगली चाइल्ड हुड जो अवस्था है इसमें बच्चा क्या एज होता है उसमें खिलौने से खेलता है और उसमें बहुत सारे इमिटेशन होता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है जब भी कोई उसके जिज्ञासा होती है नई चीजों को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करता है वो बच्चा तो कलर वगैरह को पहचानता है और इस समय वो प्ले एज अभी इस एज में नहीं आता है, खेलने के अंदर इस अवस्था में नहीं आती है। समय वो क्वेश्चन पूछता है तरह तरह के, तो इन फैंसी नहीं जान गया, लेट चाइल्डहुड समझ गया, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड जो है वो उस समय खेलने की उम्र नहीं आती है। बच्चा इधर उधर की चीजों को देखता है, खिलौनों से खेलता है। तो ये पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है चाइल्डहुड पर ही क्वेश्चन चल रहा है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्सन ऑफ विच फिजिकल एंटिटीज, बाल्यावस्था के अंतिम काल में बच्चे किस चीज का भौतिक रूपांतरण फिजिकल चेंज को समझ पाते हैं, किस चीज का? तो इसमें आपको बताना है कि द्रव्यमान, मास जो मात्रा होती है किसी चीज की, मास एंड नंबर, द्रव्यमान और संख्या, और नंबर संख्या फिर मास नंबर एंड एरिया। तो इसमें क्या होता है कि किस भौतिक किस चीज का वो चेंज को समझ लेते हैं। भौतिक रूपांतरण क्या होता है कि कोई चीज जो बदलता है फिर वापस उस साइज में आ जाता है, इसलिए इसको भौतिक रूपांतरण कहते हैं। तो ये कहता है कि लेट चाइल्डहुड जो होता है ना तो बाल्यावस्था का अंतिम काल होता है जिसे 6 to 12 साल कहते हैं। इसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो अपने बिना पेरेंट्स के हेल्प के बहुत सारा काम कर लेता है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जब उसका भौतिक विकास होता है तो वो मात्रा में बदलाव या नंबर और एरिया ये सब चीज को वो समझ सकता है और इस समय इस चीज को समझने लगता है। इसे कहते हैं इसका आंसर होगा मास, द्रव्यमान, संख्या और नंबर, ये चीज को वो समझ पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 6 to 12 साल में अंगों की वृद्धि होती है, पेशीय रूप से बाल्यावस्था के अंतिम काल में बच्चे मजबूत मांसपेशी मजबूत हो जाती है, अपने खिलौनों को दूसरे के साथ साझा करते हैं, माता पिता के मदद के बिना काम करने लगते हैं और उनका बौद्धिक विकास भी हो जाता है। बौद्धिक विकास होने से द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, शक्ति के रूपांतरण की भावना को समझता है और लॉजिकली सोच सकते हैं और एक अच्छा उनका सामाजिक विकास भी होता है और उनकी रुचि खेल के मैदान में होती है। तो इसका इस अवस्था में बच्चा द्रव्यमान, मात्रा और क्षेत्र को समझता है। एरिया को भी अगला है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, विकास का अर्थ क्या है,
meaning of development is a
Again, question nine is that the following development task is not appropriate to the late childhood. Meaning, if you say one has विकास कार्य देर के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है. तो देर का बच्चों का मतलब क्या है? देर का बच्चों हमने देखा कि आरंभिक बच्चों होता है तो उनके बाद पांच से सात साल तीन से दो से सात साल में लैटर लेयर जो होता है उसको हम देर का बच्चों कहते हैं. तो लर्निंग फिजिकल स्किल इज नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स मर्यादा में नहीं मानना है या उसको करना सही है और दुरुस्त है और अपने साथी के साथ मिलना सीखना भी सही है. सामान्य खेल के लिए शारीरिक कौशल सीखना भी सही है लेकिन एक वह पुरुष और स्त्री है इस तरह की भावना या इस तरह का मतलब को अचीव करना सही या उपयुक्त नहीं है. बच्चे को ये भावना मन में नहीं आनी चाहिए और ना ही ये दिखाना चाहिए. अगला है ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन इज जनरली सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण आमतौर पर होता है. क्या होता है? सामान्य हाई बेनिफिट मतलब क्या है कि सामान्य कौशल के संबंध में अत्यधिक फायदेमंद होता है. मतलब ट्रेनिंग दे दिया जाए नॉर्मल मैच्योरेशन के पहले. फिर हार्मफुल फ्रॉम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू समग्र दृष्टिकोण से हानिकारक बेनिफिशियल फ्रॉम ए लॉन्ग रेंज पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से फायदेमंद होता है. और फिर क्या बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज्ड ट्रेनिंग. अब इसमें क्या है कि कौन सा विधि प्रयोग किया जा रहा है इस पर निर्भर करता है कि ये हार्मफुल है या लाभदायक है. ये ट्रेनिंग देने के तरीके पर विधि पर निर्भर करता है क्योंकि हर बच्चे के अपने गुण होते हैं और उसके कौशल का सीखने का सभी समय भी अलग अलग होता है. इस समय बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है तब उसे कहा जाता है इट इज मैच्योर नाउ. वो परिपक्व हो गया तो परिपक्वता की व्याख्या क्या होती है कि एक व्यक्ति में स्थायी परिवर्तन करे तो परिपक्वता किसके सिर में आ सकती है? नॉलेज कॉग्निटिव फॉर्म में, इमोशनल भावनात्मक फॉर्म में या शारीरिक फिजिकल फॉर्म में. जो व्यक्ति जो पहलुओं की परवाह किए बिना वो परिपक्वता लेकिन प्रशिक्षण क्या ध्यान देना है कि कोई बच्चा समय से पहले या देर से कोई भी नया कौशल सीख सकता है. तो ये देखना है कि बच्चा सीखने के लिए क्या है पर्याप्त परिपक्वता. इसलिए क्या है कौन सी कार्य बनाई कौन सी विधि अपनाई जा रही है इस विधि के आधार पर कोई भी हानिकारक हो सकती है या फायदामंद हो सकती है. तो बच्चे को जैसे कहते हैं कि 8.95 को 5 से गुणा करना हो तो ये बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगा. और उसमें क्या है कि ये इस तरह का उसको ट्रेनिंग दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा. लेकिन आप बच्चे क्या करेंगे इससे गुणा करना जब सीखता है तो आसान हो जाता है लेकिन ट्रेनिंग आसान हो जाता है. तो इसलिए कहा जाता है रिसर्च यही चलता है कि ये मैच्योरिटी के पहले अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो वो किस पर निर्भर करता है किस देर से उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है. तो इसलिए
क्या चेंज करने का तरीका, अगर मान लीजिए एक नया नंबर का मान लीजिए पेशेंट सिखा रहा है तो वैदिक मंत्र से सिखाया जाएगा उसको, अगर से ज्यादा सिखाया जाए तो आसान हो जाएगा। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, इस मेथड से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 5 years old guy is watching a storm from his window. वो खिड़की से तूफान देख रहा है। A huge bolt of lightning is followed by a tremendous thunderclap and Raju jumps at the noise. एक विशाल बोल्ट बहुत तेजी से चमकती है, बहुत तेजी से, और उसके बाद बादल जबरदस्त गड़गड़ाहट होती है जिससे कि राजू टूट जाता है। This happens several more times, यह कई बार होता है। तो दोनों को देख लिया, वहां पर वह एक तरफ खामोशी है, दूसरा तरफ बिजली का बिजली चमक रही है। तो राजू टूटता है किससे, बिजली चमकने से। तो जानती है राजू एक हमारी एग्जांपल ऑफ लर्निंग थ्योरी ऑफ किस तरह की थ्योरी का है। तो यह क्लासिकल कंडीशनिंग का थ्योरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है कि ये आपको कोई भी क्लासिकल कंडीशनिंग एक तरह की लर्निंग होती है जो की किया है जो कि ऐसी लर्निंग होती है जिसमें की आपने अनकॉन्शियसली आप सीख जाते हैं और आप इसी तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। तो जब आपका रिस्पॉन्स जो है क्लासिकल कंडीशनिंग में ऑटोमेटिक होता है और ये कंडीशन होता है कि हर बार जब ऐसी परिस्थिति आती है तो आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप अनकॉन्शियसली आप मतलब हर सेकंड अलर्ट नहीं करते बल्कि अनकॉन्शियसली करते हैं। तो ये क्लासिकल कंडीशन के थ्रू आप ऑटोमेटिक कंडीशन हो जाते हैं और आपका रिस्पॉन्स जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन से कंडीशन होता है और जैसे ही वो स्थिति आती है तो आप उस तरह का रिएक्शन करते हैं। तो आप जब बोलते हैं बिजली को धमाका देखकर तो ये क्या है कि कंडीशन हो जाते हैं, हो जाते हैं बिजली चमकती है और आप डर से टूट जाते हैं। ये स्पेसिफिक सिचुएशन से कंडीशन हो तैयार है, इसलिए ये एक व्यवहार को क्लियर किया कि राजू थंडर बोल्ट से टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट। ये इंग्लिश में कौन सा सकारात्मक दंड है। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, ये पॉजिटिव पनिशमेंट जो होता है वो व्यवहार को सुधारने के लिए सकारात्मक दंड दिया जाता है। तो इसमें रेडिकल बाई फ्रेंड्स, लॉस ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स, सेल्फ मैरिज और ऑल ऑफ दिस, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट है क्योंकि बड़े जब दोस्त ज्यादा जरूर करना टूटता है रेडिकल होता है तो ये जल्दी से सीखते हैं। ये सकारात्मक दंड होता है क्योंकि वो एक दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और दूसरी बात है कि वो दोस्तों के बिल्कुल ढंग से एहसास होता है क्योंकि अगर इससे एक दिन के लिए अगर उनकी गलती को बताते हैं तो उसे उनके एहसास करके उसे सुधारते हैं, इसलिए एक पॉजिटिव पनिशमेंट के रूप में इसको देखा जाता है। इसमें से कौन सा
कथन एक प्रक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है। इन कॉलेज में पढ़ने के मूल दिवस अगोल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एजुकेशन। इन कॉलेज पर्सन के मूल दिवस अगोल लक्ष्य की ओर बढ़ने का कार्य बनता है। It satisfies the person biological needs, the practical learning के रूपों को पूरा करता है। It helps in achieving psychological ambition, the मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में मदद करता है। It feels very calm and pleasant situation। तो क्या है कि ये कठिन जो है ये अभिप्रेरणा के लिए उपयोग नहीं है, क्योंकि अनप्लेजेंट सिचुएशन से लोग रखने के लिए मोटिवेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जब भी मोटिवेशन लगे तो गोल की ओर बढ़ता है, लक्ष्य की ओर बढ़ने का कारण बनता है। प्रेरणा फिर अपनी जरूरी के रूपों को भी पूरा करता है और जब उसे मोटिवेट किया जाता है तो और उसका अपना जो मनोवैज्ञानिक अचीव करने के लिए मोटिवेशन काम करता है। किसी चीज से अगर नहीं बनता मोटिवेशन, इसलिए इसका आंसर यही होगा। किसी का पर्टिकुलर सिचुएशन से दूर रखने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, temporary change in behavior to continuous exposure to stimuli is called habituation learning, temporary learning or motivation. उत्तेजना से लगातार संपर्क की क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर गलत लिखा गया है। लगातार संपर्क में रहने के कारण व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? लर्निंग अस्थायी सीखना मोटिवेशन जाने भाषा में लर्निंग मतलब अधिगम सीखना। ठीक है, तो अस्थायी सीखना और मोटिवेशन मोटिवेशन से क्या होता है कि उत्तेजना अस्थायी परिवर्तन जो होता है उत्तेजनाओं के लगातार संपर्क में रहने से, मतलब अगर छात्र को किसी लक्ष्य में बढ़ने में मदद करने के लिए जो टीचर उसको प्रेरित करता है तो उससे क्या होता है कि उसको हमेशा सुनने सुनने से वो उसकी आदत हो जाती है और वो उसे अपनी हैबिट में ले आता है। स्टूडेंट के व्यवहार को किस तरह का तरीका उन्हें यूज करना चाहिए ताकि वे अपने दृष्टिकोण को बदल सके। स्टूडेंट के दृष्टिकोण को बदलने के लिए छात्रों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए
ताकि छात्र अपने दृष्टिकोण को बदल सके। छात्र ऊपर होगा तो छात्र अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए क्या तरीका है? पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब होता है केवल दस कहानी है समर्थन करवाना चाहिए, उससे बच्चे का दृष्टिकोण बदलता है, शोध बदलता है और संदेश देना है बच्चों को, वो अच्छे अच्छी फीलिंग के साथ अच्छी भावना के साथ देना। लेकिन परिवर्तन करने के लिए लगातार परिवर्तन हो, लेकिन उनको डरा के धमका के ब्लैकमेल करके अगर किया जाता है तो उसका असर नहीं होता है। लेकिन इस तरह का उपाय नहीं करना चाहिए, अपनाना चाहिए। थैंक यू।